अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जब आपके YouTube के चैनल पर $10 हो जाते हैं तो YouTube की तरफ से आपको दो नोटिफिकेशन आते हैं। एक में आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कहा जाता है, जबकि दूसरे में आपको बिलिंग एड्रेस वेरीफाई करने का कहा जाता है। जब आप अपना बिलिंग एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं तो ही आपको बैंक अकाउंट लिंक करने का कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल एडसन की पिन के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे ताकि आपका बिलिंग एड्रेस वेरीफाई हो जाए। अगर आपको अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियो देखकर आप अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और सीखते हैं। तो गाइस, जब आप अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ जो है ना, आपको ये इम्पोर्टेंट मैसेज लिखा हुआ जो नोटिफिकेशन है यूट्यूब का, वो आपको नजर आता है। ये क्या लिखा हुआ जी, प्लीज लॉग इन टू योर एडसन अकाउंट। वो कह रहे हैं जी आप अपना एडसन अकाउंट जो है ना उसको लॉग इन करें, वेरीफाइड योर एड्रेस और अपने एड्रेस को जो है ना आप वेरीफाई करें यूजिंग द पिन कोड। जो पिन कोड के लिए आपने अप्लाई करना है, मेलिंग योर बिलिंग एड्रेस के आपका जो घर है वहां पर जो है ये पिन आपको मिलेगा। और दिस इज रिक्वायर्ड टू रिसीव फीचर पेमेंट एंड कंटिन्यू मोनेटाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी पेमेंट्स के लिए और अपने चैनल को मोनेटाइजेशन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने जो है वो पिन वेरीफाई करनी है। तो अभी हम जो है वो एडसन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से जो है ना पिन के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने एडसन ओपन किया हुआ है, तो एडसन मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पर भी ये देखें, ये लिखा हुआ है Your payment are currently on hold because you have not verified your address. तो बिल्कुल जी, हमने अभी तक अपना address verify नहीं किया हुआ है, अभी हम अपना address verify कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे ना, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है verify your billing address और यहाँ पर नीचे जो है ना वो दो ऑप्शन है, एक है verify का और दूसरा है dismiss का। तो हमने क्या करना है, verify के ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना ही काम था, हमने जो है वो गूगल एडसन की पिन के लिए अप्लाई कर दिया है। जब हमारे पास पिन रिसीव होगी तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जस्ट पिन को ऐड करना है और हमारा एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा।